नमस्कार, सावित्री रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावित्री रसोई में बनेगी बर्मशिली नमकीन सेवैयाँ। तो मैंने ये नमकीन सेवई लिए हैं, देखिए ये मेरी रोस्टेड नहीं है, अब इन्हें हमें रोस्ट करना है। तो उसके पहले सबसे पहले हमें कुछ चॉपिंग करनी होगी। मटर लिए मैंने 1/2 कप, 1/4 कप मैंने लिए है मूँगफली के दाने, इनको भी हमें रोस्ट करना है। और मीडियम छोटी साइज की 2 प्याज, 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्ची और 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं। सबसे पहले इनकी हमें चॉपिंग करनी है, उसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। कढ़ाई रख दी है जिसमें मैंने एक घी डाल दिया है। अब घी गर्म हो गया है तो हम डाल देंगे ये सेवई। आपको कितनी बनानी है आप अपनी यूनिट के हिसाब से बनाए, कम या ज़्यादा वो आप अपने हिसाब से, आपको जितनी भी ज़रूरत हो, आपकी यूनिट जितने हो, तो आप इन्हें सुबह नाश्ते में या शाम को भी कभी भी बना के खा सकते हो। सभी के यहाँ होती हैं, आपके यहाँ घर की होंगी जो हम मैदा से बनाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास आज मार्केट की है तो मैं वही बना रही हूँ। तो हम इसे 2 से 3 मिनट तक इन्हें तलेंगे, या आप समझ लीजिए आप जब तक इनका कलर हल्का ना ड्राई होगा, सॉरी कलर इनका थोड़ा चेंज होगा तब तक हमें इन्हें रोस्ट करना है। तो कलर चेंज होने तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे। देखिए कलर इसका पहले से चेंज हो गया है, तो हमें भूनना ज़रूरी होता है क्योंकि खुशबू तभी आएगी, सौंधी सौंधी खुशबू लाना है तो इन्हें हमें भूनना होगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम इन्हें थाली में प्लेट में जो भी आपके पास हो उसमें आप ट्रांसफ़र कर लें। मैंने थाली में, और चेंज भी हो गया है कितना ये। अब हम डाल देंगे इसमें तेल, मेरे हम सरसों का तेल ही यूज किया जाता है। आपको और जो भी पसंद हो आप वो अपने मन पसंद का हुआ है ले सकते हैं, पर मेरे यहाँ यही सभी पसंद करते हैं तो मैं इसको ही इससे ही सब बनाती हूँ। अब देखिए हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम डाल देंगे इनमें रोस्ट करने के लिए मूंगफली के दाने, क्योंकि हम कच्चे इनको डाल नहीं सकते, और ड्राई रोस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, पर मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किए इनको, हम इसमें रोस्ट करेंगे। रोस्ट निकाल दिए हैं मूंगफली के दाने, रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, और मैंने ली है ये प्याज, तो हम प्याज डाल देंगे जिसको मैंने रखनी काटा है, और एक शिमला मिर्च है तो इसको भी डाल देंगे। दोनों को एक साथ डाल दिया, इनका कलर चेंज होने तक हमें हाई फ्लेम पर ही भूनने हैं। मैंने लिया है ये बंद गोभी या पत्ता गोभी आपके यहाँ क्या बोलते हैं, और हरी मिर्च, तो एक साथ हम इनको भी डाल देंगे। फ्लेम हमें हाई रखनी है और इनको अच्छे से चलाते हुए हमें कलर चेंज होना है इनका। अब हम लेंगे ये टमाटर, इनको भी मैंने लंबा लंबा काटा है, देखिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ऐसे ही काटा है। हम टमाटर डाल देंगे, टमाटर डालने तो हमें नमक डालना ही होगा तभी हमारे टमाटर पकेंगे। तो हम इसमें मटर भी डाल देंगे, मटर हमें हमेशा गर्म पानी से ही धुलनी चाहिए, वो सॉफ्ट भी हो जाती है और जो भी उसमें लगा रहता है केमिकल वो भी निकल जाता है। तो हमें मटर हमेशा गर्म पानी से, यदि आपके पास यदि मटर आ रही है फ्रेश तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम डाल देंगे इसमें नमक, क्योंकि मटर और टमाटर दोनों डाले हैं तो हमें नमक तो डालना ही पड़ेगा, तभी टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे। हम डालेंगे इसमें हींग, हींग मेरी फेवरेट है, मैं किसी भी चीज़ में यदि हींग नहीं डालती तो मुझे वो पसंद नहीं आती है। इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च तीखे के लिए, और मैंने धनिया पाउडर डाला है 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर इसको भी डाल दें। अब हम करेंगे इन्हें मिक्स, टमाटर भी हमारे अच्छे से जल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम डाल देंगे इसमें पानी, तो जितनी हमने ली हैं सेवई उसका हमें 1.5 गुना डालना है।
अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे, एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें सिमई डालेंगे। देखिए इनमें उबाल आ गया है, तो मैंने अदरक ली है, इसको मैंने देखिए पतला पतला और लंबे में काटा है, तो हम अदरक डाल देंगे और डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च। इनको ऊपर से डालने में इनका अलग ही टेस्ट होता है। अब हम डाल देंगे ये जो मैंने भून के रखी थी सिमई, और हम इन्हें भी मिक्स करते हैं। देखिए अब इन्हें हमें धीमी आंच में पकानी है, हाई फ्लेम पर हमें नहीं पकानी है, धीमी आंच में। और मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, तो इसे भी डाल दिया। नमक पहले आधा डाला था, अब मैंने नमक डाल दिया पूरा, तो ये स्वाद के अनुसार नमक हो गया है। और हम कर देंगे मिक्स और इसमें ढक देंगे, जिसमें मैंने सिवई रखी थी वही थाली इसमें ढक दी, क्योंकि कढ़ाई बड़ी है तो इसके लिए ढक्कन भी चाहिए बड़ा। तो अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। देखिए सिवई में सिर्फ कंप्लीट तैयार होने में इसमें 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाती है। और मैंने फ्रेश धनिया डाल दिया है, धनिया फ्रेश है बिल्कुल, मेरे घर में ही धनिया उगाया है, तो आज फर्स्ट डे मैंने यही धनिया डाले। इसकी खुशबू लाजवाब है। धनिया डालने से कोई भी हम रेसिपी बनाते हैं, कोई भी हम अपने लिए नाश्ता या लंच डिनर कुछ भी, उसमें धनिया डाल देते हैं तो उसका स्वाद और सुंदरता 4 गुना बढ़ जाता है। सो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट आप ज़रूर करें, साइड में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें। देखिए अब मैंने ली है प्लेट, इसमें हम करेंगे सर्व। आप ऑल करेंगे तो उससे आपको मेरे वीडियो बराबर मिलते रहेंगे, जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो सबसे पहले आपके फ़ोन में ही जाएंगे, इसलिए आप ऑल कर लें। लीजिए ये हमारी नमकीन सिवई तैयार हैं, कम ऑयल में बनी, और लीजिए सिवई हमारी रेडी हो गई है। आपको घी पसंद हो तो आप गरम गरम सिवई में घी डाल दें, ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद हो तो आप डालें, ना पसंद हो तो आप घी ना डालें, आप ऐसे ही खा लें, लेकिन बनाइएगा आप ज़रूर, ये सभी को पसंद आएंगे। आपके घर में बच्चे हैं तो आप चिली फ्लेक्स या फिर आप जो हरी मिर्च मैंने काट के डाली है बारीक वाली तो आप न डालें, या फिर आप कम कर दें। आपकी फैमिली में जैसा भी तीखा नमक ज़्यादा कम जो भी पसंद हो उस तरह से आप बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक यू।